गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लैसन नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। सो बच्चों, आपां इस चैप्टर दे विच रेस्पिरेशन बारे पढ़ांगे कि ऑर्गेनिजम्स दे विच रेस्पिरेशन किस तरीके नाल हुंदी है। सो लेट्स स्टार्ट। वन डे बोजो वाज एग्रली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर अ ईयर। सो एक दिन जिहड़ा बोजो सी ओह एग्रली बहुत मतलब उत्सुकता दे नाल अपने पेरेंट्स की ग्रैंड पेरेंट्स की वेट कर रहा सी जिहड़े उन्हूं मिलन आ रहे सी उसके शहर, वह भी एक साल बाद। ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। सो वह बहुत ज़्यादा जल्दी दे विच सी ताकि वह कि अपने जिहड़े पेरेंट्स ही ग्रैंड पेरेंट्स ही उन्होंने जाके रिसीव कर सके बस स्टॉप तो। ही रेन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स। वो बहुत जल्दी जल्दी फास्टली दौड़िया और कितने पहुँच गया बस स्टॉप से कुछ ही मिनटों के। ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। ब्रीथिंग हों बच्चों सह लैना, जो तुम भजते जो तुम्हें भी पता कि जो सह लेंगे जो बहुत फास्ट हो जाता। ठीक है। सो हिज ग्रैंड मदर आस्क हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। सो उसकी ग्रैंड मदर ने पूछा कि तू इन्ना ज़्यादा फास्टली ब्रीथ क्यों कर रहा है। सो बूझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। सो बोजो ने आंसर दिता कि मैं भज के आया है। ठीक है, सारे रस्ते मैं रनिंग करके आया है। बट द क्वेश्चन वॉज स्टक इन हिज माइंड। पर दिमाग दे विच एक क्वेश्चन जिहड़ा सी स्टक हो गया। वह की सी? ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक्स अ परसन ब्रीथ फास्टर। वो हैरान सी कि जो असं भजते हैं तो जी सा सह है जी सा ब्रीथिंग वह फास्ट क्यों जाती है। द आंसर टू बोजो क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। सो जिहदा आंसर लभदे लभदे दिमाग च एक होर क्वेश्चन आ जाता कि असं ब्रीथ भी क्यों करते, सह क्यों लैंदे हैं। सो ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पीरेशन। जिहड़ा ब्रीथिंग आ ये असल दे विच रेस्पीरेशन का ही एक पार्ट हुंदा। सो लैट अस लर्न अबाउट रेस्पीरेशन। सो आपां हुण इहदे बारे पढ़ांगे। ठीक है। सो सानू भी पता लगेगा कि रेस्पीरेशन की होंगे है, ब्रीथिंग क्यों करते हैं। सो असं जो रनिंग करते हैं तो साढ़े जोड़े सह है वो फास्ट क्यों हो जाते हैं। हाँ जी, सब तो फस्ट आ वाई डू वी रिस्पायर। असी सह क्यों लेने। इन चैप्टर टू यू लर्नड दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ समॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सैल्स। जिस तरह तुम चैप्टर नंबर 2 के ऑलरेडी पढ़ चुके जो कि जिन्हें भी ऑर्गेनिजम्स और छोटे छोटे सैल्स के बने होंगे जिन्होंने सिर्फ असी माइक्रोस्कोप के ही देख सकते हैं। अ सैल इज़ द समॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम। कोई भी ऑर्गेनिजम वो कितों बनया है, सैल तो बनया, जी वो नींह सैल तो ही स्टार्ट होंगी है। सो स्ट्रक्चरल तो फंक्शनल यूनिट कि किसी भी ऑर्गेनिजम की बॉडी का सैल। ईच सैल ऑफ एन ऑर्गेनिजम परफॉर्म सर्टन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। हर एक सैल जोड़ा है वो ऑर्गेनिजम की बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शन आ परफॉर्म करता है, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन सारिया प्रोसैस आ जिदे असी जी रहे हैं धरती के उपर। ठीक है। सो ये सारिया प्रोसैस कौन कैरी करता है, सैल। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सैल नीड्स एनर्जी। ईवन वैन वी आर ईटिंग स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। सो ये जिन्हिया भी प्रोसैस उपर मैनशन कीतिया है वो वास्ते उन्होंने परफॉर्म करने वास्ते सैल जी बॉडी के सैल्स होंगे उन्होंने एनर्जी की जरूरत होंगी है। ईवन कि असं जो खाते हाँ सौने खेडते हैं पढ़ते हैं। ठीक है। सो वो वास्ते भी सानू का जरूरत है एनर्जी की। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। तो यह जी एनर्जी सानू किस तो मिलती है। कैन यू से वाई यूर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगूलरली। सो तू कि मतलब तुम दस सकते जो कि जेडे पेरेंट्स तुम बार बार इंसिस्ट करते हैं कि तुम जो खाना है समय सिर खाना चाहिए, या फिर खाना क्यों खाना चाहिए, कि तुम पता है क्यों कहें इदा। बिकॉज द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी, कि जी एनर्जी सूँ सारिया एक्टिविटीज़ वास्ते चाहिए। ठीक है। सूँ कितों मिलती है, फूड तो, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पीरेशन। सो जी फूड की स्टोर्ड एनर्जी होंगी सूँ कदों मिलती है, जो रेस्पीरेशन की प्रोसैस होंगी। Therefore, all living organisms respire to get energy from food. So, इस करके ऑर्गेनिजम्स के जी रेस्पीरेशन होंगी और रिस्पायर करते क्यों करते, ताकि उन्होंने फूड तो एनर्जी ले सकन। सो ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। जो असं ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग भी एक पार्ट होंगे रेस्पीरेशन का। ठीक है। सो असी हवा दे विच ब्रीथ करते, यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। तो तुम चंगी तरह पता है कि हवा दे विच ऑक्सीजन होंगी है। सो वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो जिहड़ी असी अपने अंदर लैके जाने हैं, ठीक है, वो कि होंगी ऑक्सीजन होंगी, तो जिहड़ी असी बाहर कढ़दे हैं हवा दे विच वो कि होंगी कार्बन डाइऑक्साइड।
So the air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. So jadi hawa se andar leke jani jide vich oxygen hundi hai, theek hai. So ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਲਸ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨ ਦਾ ਏਅਰ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਫੂਡ ਜਦੋਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਫੂਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਲ ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਲੀਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਦਾ ਕਾਲਡ ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਲਸ ਆਫ ਆਲ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੂਲਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਸੈਲ ਦਾ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ ਇਨ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਸੋ ਵੈਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਕਰਸ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਯੂਜ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਫੂਡ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਕਸੀਜਨ ਸੋ ਕਈ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਯੂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਨਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਫੂਡ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਐਨਰਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਐਨਰਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ